उनके पीढ़ियों के श्राप को भी उठा लूंगा, ताकि उनके पुरखाओं के जो श्राप है वो आने वाली पीढ़ियों पर कभी नहीं आएंगे। यीशु ने उन्हें कलवरी के क्रूस पर उठा लिया और पूरी तरह से दूर कर दिया, ताकि वो कहावत अब पूरी हो गई है, अब ये फिर से नहीं कही जाएगी। आप नहीं कह सकते मेरे दादाजी के कारण वो श्राप मुझ पर आया। Oh God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Under the shadow is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, endless years the same. A thousand ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the night before the rising sun. जब परमेश्वर नूह का जलप्रलय उंडेल रहा था, या नूह के जलप्रलय के बाद जब उसने ये शपथ खाई, फिर कभी पृथ्वी को जल से नाश नहीं करूंगा, उसने एक चिन्ह दिया, मेघधनुष, आपको याद है? उसने आकाश में मेघधनुष रखा और उसने कहा यह चिन्ह होगा, जब कभी तुम इसे देखो तो स्मरण करो कि परमेश्वर फिर कभी पृथ्वी को जलप्रलय से नाश नहीं करने वाला है। जानते वो मेघधनुष कहां है? अब इसे देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में हम मेघधनुष को कभी कभी देखते हैं, परंतु देखिए कैसे परमेश्वर उस मेघधनुष को देखता है और वो कहां रखा है। अध्याय 4 वचन 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 3 परमेश्वर के सिंहासन के बारे में कहता है, वहां का दृश्य, वहां पर क्या है? और जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। यानी मेघधनुष सिंहासन के चारों ओर है, सब कुछ अर्थ रखता है। क्यों परमेश्वर अपने सिंहासन के चारों ओर मेघधनुष रखेगा? मेघधनुष का महत्व क्या है? मेघधनुष का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की है कि वो पृथ्वी को फिर से जलप्रलय से नाश नहीं करेगा, कभी नहीं। अब उसने ये वादा किया नूह के समय में, उसी तरह से उसने भी प्रतिज्ञा की। यशा कहता है, वो अभी क्या प्रतिज्ञा करता है? उसी परमेश्वर ने वादा किया है कि यहां पर फिर जल प्रलय से विनाश नहीं होगा, और मेघधनुष को चिन्ह के रूप में रखता है। उसने अभी प्रतिज्ञा की, उसी तरह से अभी उसने प्रतिज्ञा की कि वो हम पर क्रोध नहीं करेगा, वो हमें दंडित नहीं करने वाला है। इसलिए नई वाचा के मसीह के रूप में जब हम मेघधनुष देखते हैं, जब हम परमेश्वर के सिंहासन को देखते और हम देखते हैं कि सिंहासन मेघधनुष से घिरा हुआ है, वहां सिंहासन के चारों ओर मेघधनुष है, वो कहता है ताकि हर दिशा में परमेश्वर देखता है, वहां मेघधनुष है, उसे याद दिलाता है उसकी वाचा की प्रतिज्ञा जो उसने शपथ खाकर कही है।
अब हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर हम पर क्रोध नहीं करेगा और परमेश्वर हमें नहीं धुड़केगा। परमेश्वर हम पर क्रोध नहीं करेगा, परमेश्वर हमें नहीं धुड़केगा, क्योंकि जैसे उसने लूह के समय लोगों से शपथ खाई, अब उसने हमसे शपथ खाई है कलवरी के क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के समाप्त किए गए काम के द्वारा। परमेश्वर हम पर कभी क्रोधित नहीं होगा और परमेश्वर फिर कभी हमें दंडित नहीं करेगा। आमेन। देखिए, नई वाचा कितनी सुंदर है। पुरानी वाचा का कथन ये था कि यदि कोई पाप करे तो मैं उसके अपराधों को क्षमा नहीं करूंगा। ये पुराना नियम है, ये भयानक है। परमेश्वर कहता है मैं उसे जाने नहीं दूंगा। यदि उसने पाप किया तो मैं किसी तरह से अपराधी को जाने नहीं दूंगा। मैं चार पीढ़ी तक उससे लिखा लूंगा उसके अपराधों के कारण। पुराने नियम में ऐसा परमेश्वर कहता है, वो भयानक है ना। नई वाचा कहती है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा। कितना फर्क है। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है उसे कभी दूर नहीं करूंगा, मैं हमेशा उसे स्मरण रखूंगा, मैं उसका लेखा लूंगा, उसकी मांग चार पीढ़ी तक करूंगा, मैं उस व्यक्ति को ऐसे जाने नहीं दूंगा जो अपराधी है। नए नियम में कहता है मैं उनके अपराधों को भूल जाऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हाँ, अद्भुत है, ये नई वाचा है। परंतु बात यह है, चर्च में मुख्य समस्या यह है कि पाप की चेतना है। मैंने इसके विषय में कहा है जब धार्मिकता के बारे में कहा, पाप की चेतना, यही वो बात है जो चर्च को परमेश्वर की आशीष का आनंद उठाने से दूर रखती है, क्योंकि लोग धार्मिकता से ज्यादा पाप के विषय में सचेत हैं। लोग उनके पापों के बारे में जागृत है इस सच्चाई के बजाय कि पाप क्षमा किए गए हैं और उन्हें प्रभु स्मरण नहीं करता। वो नई वाचा के विषय में जागृत नहीं है और वो नहीं जानते हैं कि उनके लिए नई वाचा का सच में मतलब क्या होता है। वह नई वाचा के विषय अधिक शिक्षा नहीं है, इसलिए वो नहीं समझते इस पूरे विचार को कि पाप फिर कभी स्मरण नहीं किए जाएंगे। इसलिए लोग आनंद नहीं उठा पाते इस शांति, सुख और प्रसन्नता का जो नए जन्म से आता है और इस नए पद और नई वाचा से आता है। वो कभी परमेश्वर की आशीष की भरपूरी में प्रवेश नहीं करते, वो पाप की चेतना से भरे हैं। अब मेरे साथ देखिए यूहन्ना अध्याय 9, यहां तक यीशु के समय में आप पाप की चेतना को देखते हैं, लोग पाप की चेतना से इतने भरे हुए थे। यूहन्ना अध्याय 9:1, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा, कि ये अंधा हुआ? अब देखिए, मैं नहीं समझता कि मन में प्रकाश आ रहा था या नहीं, परंतु जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मैं इस सवाल में पूरी मूर्खता देखता हूं। मैं समझ सकता हूं यदि कोई पूछे कि किसने पाप किया, क्या इसके माता पिता ने पाप किया, मैं समझ सकता हूं शायद माता पिता ने पाप किया और बेटा उसका दुख उठा रहा है। जानते हैं मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों, लेकिन कम से कम वो विचार करने वाला सवाल होता, क्या इसके माता पिता ने पाप किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसने पाप किया कि ऐसा पैदा हुआ, मतलब वो कैसे पाप कर सकता था कि वो अंधा पैदा हो जाए, मतलब क्या वो पाप करने के बाद पैदा हुआ, उसने कौन सा पाप किया, क्या उसने मां के पेट में जोर से लात मारी, उसने पैदा होने के पहले क्या पाप किया। आप देख सकते हैं कैसे लोग बहुत धार्मिक बनते हैं, वे पूरी तरह मूर्खता का सवाल पूछते हैं, क्या इसने पाप किया इसलिए ऐसा हुआ, बकवास है, कैसे वो पाप कर सकता है और उस पाप के कारण वैसा अंधा पैदा होगा, ये बिल्कुल बकवास है। वो ये नहीं जानते थे कि कैसे सवाल पूछे, उनका दिमाग पूरी तरह से परंपरा में ढला हुआ था और उनके पास में इस तरह की गलत धर्मशास्त्र की विचारधारा थी। वो पूछ रहे थे कि क्या इसने पाप किया इसलिए ऐसा पैदा हुआ, ये कैसे पाप कर सकता था जन्म लेने के पहले, मूर्खता है। परंतु वे ऐसे सवाल पूछ रहे थे क्योंकि उनका मन पाप की चेतना से भरा हुआ था। वो कहते थे अगर कोई मनुष्य अंधा है तो उसने पाप किया होगा। मैं आपको बताऊं, हाँ, किसी ने पाप किया, आदम ने पाप किया, इसलिए ये बातें होती हैं। जिस पल आदम ने पाप किया उसने द्वार खोल दिया हर तरह की बुराई को इस जगत में प्रवेश करने के लिए, और बीमारी उसमें से एक बुराई है जिसने जगत में प्रवेश किया, मनुष्य की जगत में, क्योंकि उस दिन आदम ने ये द्वार खुला छोड़ दिया था और शैतान इन सारी बातों के साथ प्रवेश करता है और
आज यदि कोई छोटा बच्चा भी मरता है, बच्चा पाप नहीं कर सकता। कैसे छोटा बच्चा पाप कर सकता है? 1 साल का बच्चा क्या वो पाप कर सकता है? बच्चा क्यों मरता है? क्योंकि आदम ने पाप किया, पाप ने जगत में प्रवेश किया, अब मृत्यु वास्तविकता बन गई है और इसने सभी मनुष्य पर राज्य किया, ऐसे बाइबल कहती है। देखिए, ये लोग नहीं समझते, वे कहते हैं अवश्य इसने पाप किया होगा, निश्चय किसी ने पाप किया, और उसकी पूरी थियोलॉजी गलत होती है। इस तरह उन्होंने इस विषय में विचार किया, वो गलत था। इसलिए चर्च में सबसे बड़ी समस्या पाप की चेतना है। पाप की चेतना अविश्वास में लेकर आती है, अविश्वास लेकर आता है। जानते हैं आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं पा सकते। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की आप विश्वास नहीं करते, इसलिए आप उसे नहीं ले सकते हैं जो प्रभु ने प्रतिज्ञाएं की हैं। ठीक है, पाप की चेतना के विषय में बात करते हुए वो कह रहे थे, किसने पाप किया? क्या इसके पिता ने पाप किया? अब यहाँ पर एक बड़ी बात चल रही है, मैं सुनता हूँ चेन्नई में और दूसरी जगह पर, पीढ़ियों के श्राप के विषय। मैं इसके विषय में कुछ कहना चाहूंगा, फिर संदेश खत्म करूंगा। पीढ़ियों के श्राप। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, खैर सब ठीक है ब्रदर, अब तक सब कुछ ठीक था, परंतु एक भाई मेरे घर में आए और उन्होंने प्रार्थना की और मुझसे कहा, मुझ पर पीढ़ियों का श्राप है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दादाजी ने कुछ किया था जब वो जीवित थे और वो श्राप मुझ तक आया है, और उन्होंने मुझे बताया इसलिए मैं अपने व्यापार में असफल हूँ, इसलिए मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं, इसलिए मेरे जीवन में आशीष नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे बेटे पर आए, क्योंकि वो कह रहे थे 4 पीढ़ी तक ये रहेगा और मैं 3री पीढ़ी का हूँ, ये मेरे बेटे पर भी आने वाला है। इसलिए मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा इसका इलाज है, हम 7 शनिवार आएंगे, हम उपवास प्रार्थना करेंगे, रात के 3 बजे भोजन करेंगे और हम खाएंगे, हम इन बातों से निपटेंगे। इसलिए मैंने उन्हें बताया, आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा मतलब, यीशु ने जो क्रूस पर किया है, यीशु ने हमारे श्रापों को उठा लिया, क्या उतना काफी नहीं है? इसलिए अब आप 7 शनिवार काम करने जा रहे हैं, और आप 7 शनिवार में क्या करने वाले हैं? क्या यीशु ने जो किया ये उससे अधिक होगा? क्या आप ऐसा कुछ करने वाले हैं जो यीशु नहीं कर पाया था, अभी आप उसे करेंगे? या वो प्रचारक करने वाला है? और वो चौंक गए, कहा क्या पास्टर? लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा कि मुझ पर श्राप है, पीढ़ियों के श्राप हैं, और उन्होंने मुझे बाइबल से वचन दिखाए जहां पीढ़ियों के श्राप हैं, और वो 4 पीढ़ियों तक उसका बदला लेते रहेगा। क्या ऐसा वचन है? हाँ। क्या पीढ़ियों के श्राप होते हैं? हाँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि उन लोगों के लिए नहीं जो नई वाचा के लोग हैं, नए जन्म लोगों के लिए। यदि आप नया जन्म पाए हैं, वहां कोई पीढ़ियों के श्राप नहीं। मेरे दोस्तों, देखिए, पुराने नियम के समय वहां पर एक कहावत हुआ करती थी, इसराइली लोगों में एक कहावत थी कि पुरखाओं ने खट्टे अंगूर खाए हैं और बच्चों के दांत खट्टे होते हैं। ये कहावत है, ये यिर्मयाह अध्याय 31 में हम देखते हैं, जो वचन हमने पहले पढ़ा है, हमने वचन 31 पढ़ा है, वचन 29 और 30 अगर पढ़े तो यहाँ पर ये कहावत मिलती है। यहजकेल अध्याय 18 वचन 2, यहाँ पर फिर से हमें ये कहावत मिलती है, जहाँ परमेश्वर कहता है उनके पास ऐसी कहावत है, पुरखाओं ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हुए हैं। आप जानते इसका अर्थ क्या है? पुरखाओं ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हुए, इसका मतलब उन्होंने उसे खाया, परंतु आप कहते ओ मेरे दांत, जानते हैं, परंतु आपके पुरखाओं ने उसे खाया। कैसे आपके पुरखाओं ने खाए खट्टे अंगूर से आपको बुरा महसूस होगा और आपके दांत खट्टे हो जाएंगे? वो कह रहे थे उनके पुरखाओं ने पाप किया, इसलिए दुख उठा रहे हैं। ये कहावत है, हमारे पुरखाओं ने पाप किया परंतु उनके पाप हम पर आए हैं, इसलिए हम दुख उठा रहे हैं। हमारे पुरखाओं का श्राप हम पर आया है, और वो इसे कहावत के रूप में बयान करते हैं। और परमेश्वर यहजकेल 18:2 में कहता है कि तुम्हारे पास ये कहावत है कि पुरखाओं ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हुए, परंतु आने वाले दिनों में तुम फिर ये कहावत अपने बीच में कहने नहीं पाओगे, और ये जो कहावत है तुम्हारे बीच में फिर कभी नहीं कही जाएगी। ये कहावत पीढ़ियों के श्राप के बारे में थी, उन्होंने विश्वास किया और ये बात सच थी, परंतु परमेश्वर कहता है ये वहां नहीं रहेगी, अब वो वहां नहीं रहेगी, मैं इसकी व्यवस्था इस तरह करूंगा कि वहां नहीं रहेगी। कैसे परमेश्वर ने व्यवस्था किया? हमारे बीच में से इसे निकाल दिया, नई वाचा के लोगों से। मेरे साथ में यूहन्ना अध्याय 19 देखिए, जल्दी से हम देखेंगे यूहन्ना अध्याय 19 और देखिए वचन 28 से पढ़ते हैं। 28, इस बात के बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। इसका मतलब है अब यीशु क्रूस पर लटका हुआ था, उसने जान लिया कि सब कुछ वो करने आया था कर दिया है, अब एक बात छूट गई,
इसलिए वो पूरा करता है। यीशु एक उद्देश्य के साथ है। जब वो क्रूस पर लटका, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था जिसे बुरे लोगों ने पकड़कर क्रूस पर लटका दिया था और वो लटका था क्योंकि कुछ नहीं कर रहा था। नहीं, वो एक उद्देश्य के साथ था, वो काम पूरा कर रहा था। वो कहता है 1, 2, 3, 4 सब कुछ पूरा कर दिया है, बस अभी एक बात छूट गई है। उसने देखा कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि एक और पवित्र वचन जो है वो पूरा हो जाए। वो कहता है मैं प्यासा हूं। जब उसने कहा कि मैं प्यासा हूं तो उन्होंने तुरंत उसके पास में लाया, इसे सुनिए, वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगे हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया और उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ने सिरका लेने के बाद ही उसने कहा कि पूरा हुआ। उसने देखा कि ये पूरा हुआ, एक बात बाकी थी, इसलिए वो कहता है मैं प्यासा हूं। और वे उसके लिए सिरका ले आते हैं, उसके मुंह से लगाते हैं और फिर वो कहता है ये पूरा हुआ, अब ये पूरा हुआ, पूरी तरह से पूरा हुआ। इसका क्या अर्थ है? देखिए, यीशु जब उन्होंने कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा था, उसका अर्थ था, इसका मतलब था कि कांटे और उटकटाने जो श्राप के बाद आई थी, आर्थिक श्राप मनुष्य जाति पर आया उत्पत्ति अध्याय 3 आदम के पतन के बाद, परमेश्वर ने कहा तू अपने माथे के पसीने से रोटी खाया करेगा, कठिन परिश्रम, क्योंकि कांटे और उटकटारे उत्पन्न होने लगे। भूमि से पहले कभी कांटे और उटकटारे नहीं आए थे, केवल जो बोया वही आया, परंतु अब कांटे और उटकटारे उत्पन्न होने लगे और कांटे और उटकटारे निकालने के लिए अधिक समय लगता है क्योंकि यह बीज दबा देता है जो आप बोते हैं। आपको मेहनत करनी है उपज के लिए, इसलिए कांटे और उटकटारे गरीबी के चिन्ह हैं। जब कांटों का मुकुट यीशु के सिर पर रखा गया, इसका यही अर्थ था कि यीशु ने स्वयं अपने ऊपर गरीबी को उठा लिया है। अब गरीबी हमारे सिर पर नहीं है, गरीबी तो अभी यीशु के सिर पर है। किसी ने मुझसे कहा, खैर कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, जो कुछ उनके माथे पर लिखा है वैसे ही होने वाला है। मैंने कहा यह उनके सिर पर नहीं लिखा है, ये यीशु के सिर पर रखा गया। हमारे सिर पर कुछ भी नहीं लिखा है, गरीबी यीशु के सिर पर रखी गई थी। जब कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा गया, ये सच्चाई को दिखाने वाला है कि उसने हमारी गरीबी कलवरी के क्रूस के ऊपर में उठा ली है और हमारे सिर पर वो अभी नहीं है। हमारे सिर पर ये लिखा गया है, आज हम आशीषित हैं क्योंकि यीशु ने कांटों का मुकुट सह लिया है। आप और मैं आशीषित हैं, न केवल उसने हमारे गरीबी के श्राप को उठा लिया, उसने हमारे पापों को भी उठा लिया। और बाइबल कहती है कि वो पाप बना ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं, 2 कुरिन्थियों 5:21, वो पाप बना। तो यीशु वास्तव में पाप का अवतार बन गया और वो पाप बन गया। तीसरी बात, बाइबल कहती है कि उसने हमारे पापों को कलवरी के क्रूस पर उठा लिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। शारीरिक चंगाई भी शामिल की गई है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हर तरह की चंगाई इसमें शामिल है। उसने हमारी बीमारी को उठा लिया, उसने हमारे दर्द को सह लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, बाइबल कहती है। इसलिए गरीबी, श्राप उसके द्वारा उठा लिए गए, पाप का श्राप उसके द्वारा उठा लिया गया है और बीमारी का श्राप उसके द्वारा उठा लिया गया है। अब वो देखता है कि एक और बात बच गई है और एक और बात पूरी निश्चित करने के लिए, इसके पहले कि वो कहे कि पूरा हुआ, उसे पूरा किया, एक और बात बाकी थी, इसलिए उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। उसके मुंह से सिरका लगाया गया, ये सिरका लगाया गया। ये सिरका क्या है? सिरका बहुत सी वस्तुओं से बनाया जाता है, वो इसे खट्टे अंगूर से भी बनाते हैं, इसलिए कुछ अनुवादों में खट्टा दाखरस के रूप में बताया। उन्होंने इसे उसके मुंह से लगाया और वो बहुत खट्टा है, आप बड़ी मुश्किल से मुंह में रख सकते। कहावत थी कि पुरखाओं ने खट्टे अंगूर खाए थे इसलिए बच्चों के दांत खट्टे हुए, ये कहता है दांत इसे सह नहीं कर सकते थे, ये बहुत ही नापसंद की बात थी। जब उन्होंने सिरका रखा, खट्टा दाखरस उसके मुंह में रखा, उसके दांत खट्टे किए गए ताकि आपके दांत फिर कभी खट्टे ना होने पाए। हाँ, उनके पास में ये कहावत कई वर्षों से और युगों से थी। उन्होंने कहा पुरखाओं ने खट्टे अंगूर खाए, बच्चों के दांत खट्टे हो गए। वो कहता अब यह अध्याय खत्म हुआ और अधिक बच्चों के दांत खट्टे नहीं होंगे, मैं इसे सहन करने वाला हूं, मेरे दांत खट्टे होने वाले हैं,
एक ही बार सदा के लिए मैं एवज के रूप में हरेक के लिए हूं। मैं पीढ़ियों के श्राप को उठा लेता हूं, सारे पीढ़ियों के श्राप को भी। केवल एक ही बात बची है, मैंने गरीबी को उठा लिया, मैंने उनके पापों को उठा लिया, मैंने उनकी बीमारी को उठा लिया, लेकिन उनके पीढ़ियों के श्राप को भी उठा लूंगा, ताकि उनके पुरखाओं के जो श्राप है वो आने वाली पीढ़ियों पर कभी नहीं आएंगे। यीशु ने उन्हें कलवरी के क्रूस पर उठा लिया और पूरी तरह से दूर कर दिया, ताकि वो कहावत अब पूरी हो गई है, अब ये फिर से नहीं कही जाएगी। आप नहीं कह सकते मेरे दादाजी के कारण वो श्राप मुझ पर आया। खैर, इससे बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे चेन्नई में, मुझे इसके विषय में माफ करना। इसलिए उनमें से कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते। यदि इस तरह से प्रचार करते रहे तो हम क्या करेंगे ब्रदर? मैं कहता हूं वचन प्रचार करो। वे महसूस करते उन्हें कुछ करना होगा, 7 शनिवार और 7 मंगलवार काम करना है, जानते हैं। यीशु ने यह कर दिया। उस एक दिन में जब वो क्रूस पर लटका था, उसने सब कुछ सह लिया। वो पर्याप्त से भी बढ़कर है। इसलिए जब कोई आपके घर में आता और प्रार्थना करके कहता मैं पीढ़ियों के श्राप को देखता हूं, तो उसे आप बताइए परमेश्वर ने इसे पहले मुझे दिखाया कि वो पीढ़ियों का श्राप खत्म हो चुका है। कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर ने उसे निपट लिया है। मेरे दादाजी का पाप मेरे ऊपर नहीं आ सकता, उनका श्राप मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने सारे श्रापों को खत्म कर दिया है, अपने ऊपर में ले लिया और उसने सह लिया और उसे खत्म कर दिया। और तभी उसने कहा कि ये पूरा हुआ। ये तब पूरा हुआ केवल जब उसने उसे पूरा किया। हेलो, ये पूरा नहीं हुआ था जब तक कि पीढ़ियों का श्राप चल रहा था। उसने कहा ये पूरा हुआ और सिर झुकाकर उसने प्राण त्याग दिए, उसने अपने प्राण दे दिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यीशु ने सिद्ध काम किया है। वो कलवरी के क्रूस पर उद्देश्य को पूरा कर रहा था। उसने कहा एक मैंने कर दिया, दो मैंने इसे कर दिया, तीसरा मैंने कर दिया, एक और बात बाकी है, मुझे इसे करना है। और जब उसने उसे पूरा किया, वो निश्चित था, उसने कहा कि पूरा हुआ। और फिर कोई भी उसका प्राण नहीं ले सकता था, वो उसे मार नहीं सकते थे। देखिए, उन्होंने उसे पीटा, क्रूस पर लटकाया, कोई भी उसे मार नहीं सकता था। उसने कहा कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं ले सकता, मेरे पास में अधिकार है कि मैं इसे दूं और मैं इसे वापस ले लूं। इसलिए उसने अपने प्राण दिए। एक बार ये पूरा हुआ, जब ये उद्देश्य पूरा हुआ, एक बार जब उसने पूरा किया, खत्म कर दिया जो वो पूरा करने के लिए आया, फिर उसने कहा ये पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हेलो, यीशु ने सिद्ध कार्य किया है। ये एक महान कार्य था, ये एक महान बलिदान था। कलवरी के क्रूस का बलिदान तो ये बहुत ही असाधारण बात है मेरे दोस्तों। यीशु ने इसे पूरा किया। आप अपने जीवन में किसी को भी कलवरी की आशीष चुराने मत दीजिए, ये और वो कहने के द्वारा। कोई भी कुछ भी कहकर आपको परमेश्वर की आशीष के बारे में धोखा ना दे। परमेश्वर ने इससे निपट लिया है, आपके पाप उस पर लाद दिए गए हैं। अब केवल ये एक बात पढ़कर हम खत्म करेंगे, शब्द समाप्त होना। स्ट्रॉन्ग्स के अनुसार इसका अर्थ है खत्म करना, यही इसका सामर्थ्य प्रकाशन है। और फिर ये कहता है कर्जे से मुक्त कर देना। और फिर थियरस डिक्शनरी, जो कि विख्यात डिक्शनरी होती है, ये कहती है समाप्त होने का मतलब है मसीह ने सब के लिए परमेश्वर के न्याय को मरने के द्वारा संतुष्ट किया है, चुने हुए के पापों की कीमत चुकाने के द्वारा। ये पाप फिर कभी दंडित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के न्याय का उल्लंघन करना होगा। पाप केवल तभी दंडित किए जा सकते हैं, या एक तो एवज के द्वारा, या फिर आप स्वयं उसका दाम चुकाते हैं। यदि आपके बच्चे ने कुछ गलती की, आप उसे दंड देते हैं, तो क्या आप 10-15 दिनों के बाद उसे फिर बुलाकर कहते हैं मुझे वो याद आ गया, तुम यहां पर आओ, मैं भी तुम्हें फिर से पीटता हूं, मैं तुम्हें फिर से देने वाला हूं। और फिर 1 महीने के बाद आपको फिर से याद आता है और आप फिर उसे बुलाते हैं और फिर से उसे पीटते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करेंगे। अगर आप ऐसा करें तो कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि एक बार उसका दंड हुआ, आप उसे बार बार उसी पाप के लिए दंड नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा देते हैं तो धर्मी व्यक्ति नहीं है, इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, ये केवल एक बार के लिए दंड है। और बाइबल कहती है जब यीशु ने कहा ये पूरा हुआ, तो एक ही बार सदा के लिए जो सजा थी वो मसीह पर डाल दी गई और उसने उसे ले लिया, एक ही बार सदा के लिए। इसलिए परमेश्वर मुझे फिर पापों के लिए सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि ये यीशु मसीह में और उसके द्वारा पूरा हो चुका है।
विश्वास कीजिए कि ये पूरा हुआ, विश्वास कीजिए कि ये खत्म हुआ। इसी पर फिर से ध्यान मत देते जाएं, किसी को अनुमति न दे कि ये बार बार आपके सामने लेकर आए। विश्वास करें कि खत्म हुआ और इस सच्चाई में चलिए। ये सच्चाई आपके हृदय में प्रकाश की तरह चमकने पाए और आपके लिए ये आपके जीवन में शांति, आनंद और प्रसन्नता लेकर आए। Yeah.